ये लड़ाई है हम लोगों के हुकूक की। हमें आर्टिकल 25 ये पूरा हक देता है कि हम अपने कॉन्सेंस को पूरा करें इस देश में, जो भी चाहे। और कौन डिसाइड करेगा कि कॉन्सेंस का हिस्सा क्या है और क्या नहीं है? देखिए, इसको कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात ये थी कि एक छोटे से स्कूल से बात शुरू हुई है, जहाँ हजारों साल से कोई नया नहीं है। इस देश में हमेशा से और हजारों सालों से मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब को फॉलो करती आ रही है। ये कोई नया मुद्दा नहीं था, आपको अभी क्यों उठाना था इस बात को? और लड़कियों को आप रोकेंगे पढ़ाई के बेसिस पे? इस बेसिस पे पढ़ाई से रोकेंगे? लड़कियों का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, ठीक है? लड़कियों का राइट है या नहीं है ये बताइए। जब मोदी सरकार ने ये निकाला कि बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ेगा, वो पढ़ेगा इंडिया, वो सॉरी बेटी पढ़ाओ बेटी लाइफ में कम, ठीक है? हमारा सिंपल क्वेश्चन और हमारा सिंपल एक ही मांग है कि हमें क्यों इस बात पे कॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि हम क्या पहनेंगे, कौन हमें? और सबसे पहली बात, एक लड़की को आज इस देश में खड़े नहीं होंगे आप लोग इस बात के साथ में? एक लड़की को हैरेस किया गया, 50 लड़कों ने एक लड़की को हैरेस किया, ठीक है? इस देश का मीडिया, आप लोगों से भी ये सवाल है, क्या यही होगा आप लोग साथ नहीं देंगे? एक लड़की को हैरेस नहीं किया गया, एक बच्ची को, किस तरीके से 50 भगवा गुंडे भागे उसके पीछे? कल हमारे पीछे नहीं हो सकता ये? क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड है पहले अरेस्ट किया जाए उन सबको जो उस बच्ची के पीछे भागे हैं। दूसरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं रोकेगी कोई सरकार हमें, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये लड़कों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और जो कर्नाटक में हुआ है उसी से ये कनेक्टेड मामला है, और इन्होंने अपना डेमोक्रेटिक वे में रखा है, कहीं बाहर नहीं किया है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट किया है, तो अपना उसी इशू के ऊपर इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। अब ये टीचर है, क्या सोचते हैं, हिजाब स्कूलों में हिजाब होना चाहिए? देखिए, एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन फ़िलहाल मैटर जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और चूंकि जब कोई मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है तो जब तक के कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए उस पर कोई रिएक्शन या कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ का टीचर हूँ, तो इसलिए जब तक के कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता उस पर अपनी कोई रिएक्शन या कोई कमेंट देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए हमें अभी कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कह करके चीज़ को जो है टाला है, उन्होंने कहा कि चूँकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वहाँ से जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता हम किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे। जेएनयू के ड्रेस कोड में क्या हिजाब शामिल है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़के के और लड़की के मर्जी के ऊपर है, वो अपने हिसाब से अपना ड्रेस कोड सिलेक्ट करता है, और यूनिवर्सिटी के ने कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा है। बाज लड़कियां बुरका भी पहनती हैं, हिजाब भी पहनती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं बगैर हिजाब के भी आती हैं और अपने अपने हिसाब से अपना ड्रेस पहनती हैं। जिस तरह से आज जो प्रोटेस्ट आपके द्वारा किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कर्नाटका के अंदर पिछले कुछ वक्त से एक विवाद चल रहा है और लिबास को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिबास को, तो ये मैं समझता हूँ सोची समझी साजिश है और ये चुनावी या सियासी मुद्दा बनाकर इसको पेश किया जा रहा है। ऐसा हम लोग समझते हैं, ये सियासी मुद्दा हो तो ये गलत है, और अगर इस तरह से अगर टारगेट करने की कोशिश की गई लिबास को या इस्लाम को या किसी भी मज़हब को, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं और ऐलान कर रहे हैं, सरेआम ये ऐलान करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम सरजमी से खड़े होकर, कि अगर आपने आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह की दोबारा कोशिश की तो हम अलीगढ़ के हर रोड को जाम कर देंगे, लोकतंत्र के दायरे में रहकर हम संविधान का कत्ल नहीं होने दे सकते, क्योंकि हिजाब जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल रिलीजन है, क्योंकि आप अगर संविधान के फंडामेंटल राइट्सों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है तलवार उठ पाएगा। तो हम उसी लड़की की मुस्कान की हिमायत में यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम के लड़के खड़े हैं, और आप ये देख सकते हैं कितनी तादाद है, क्योंकि ये तादाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुस्कान ने जो हिम्मत दिखाई है उन गुंडों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करते हुए, तो आज हमें फ़ख्र है और हमें किसी बात का अफसोस नहीं है कि अगर हमारी बहन मुस्कान उन गुंडों से लड़ सकती है तना होकर, तो अलीगढ़ मुस्लिम का फर्दन इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि उस मुस्कान बहन के लिए हिमायत में न खड़ा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर फातिमा, आप भी तरीके का प्रोटेस्ट है? ये एक प्रोटेस्ट है जिसमें हमें बस ये प्रूव करना है कि ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें राइट होना चाहिए कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, तो जैसा भी हम चाहें फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम हमारे पास है, लिबर्टी है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसमें हिजाब भी आता है बस। ओके बेटा, थैंक यू सो वेरी मच।